जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम फेमस पर्सनालिटीज को कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने लोकमान्य तिलक के बारे में जाना था, आज के इस लेक्चर में हम B.R. अंबेडकर के बारे में जानने वाले हैं। तो इनका जो कार्यकाल रहा है, इसमें उन्होंने कौन कौन सी चीजें की है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो सीरीज है ये आप सभी के लिए फ्री है, मतलब ये यूट्यूब पर फ्रीली सभी के लिए अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ ये जो सीरीज है काफी इनोवेटिव है, क्योंकि हम माइंड मैप के जरिए इससे कवर कर रहे हैं। और इसकी जो पीडीएफ है ये भी आपको काफी काम आ सकती है। जो पीडीएफ फाइल है इसमें आपको माइंड मैप तो देखने को मिलेगा ही, उसी के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल पर आपको फॉलो करना है, वहां पर जितनी भी पीडीएफ है वो सब आपको वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अंबेडकर साहब के बारे में जानेंगे, इनके जो भी लाइफ में इन्होंने किया है उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी स्टाइल में। तो यहां पर सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, मतलब इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इनका जो नाम है, मतलब इनका नाम जो है वो है डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो पॉपुलरली इनको बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ये नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश हिंदू महर कास्ट में हमें देखने को मिलता है। अब इन्होंने बचपन से ही काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस किया, क्योंकि अगर हम महर कास्ट देखते हैं तो इसे अनटचेबल्स में गिना जाता था अपर कास्ट वालों के तरफ से। इसीलिए स्कूल से लेकर जितनी भी चीजें हैं सभी में इन्होंने काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस किया, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके दिमाग में बैठता गया, गुस्सा जो है वो आता गया। अब देखिए, गुस्सा आप किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हो। कोई गुस्सा जो है उसको यूज करता है डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, मतलब खुद की ही चीजें जो है उसे तोड़ देना या फिर खुद को ही तोड़ देना, है ना। तो ये डिस्ट्रक्टिव उसका वे हो गया। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि गुस्सा आया है उसको एक पर्पस बनाना, उसको एक गोल बनाना, और जो लोग आपको विरोध कर रहे हैं उन्हीं को आपको सैल्यूट करने लगा, ये होता है गुस्से को कंस्ट्रक्टिव रूप में इस्तेमाल करना। आपको भी यूपीएससी एग्जाम में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको भी बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिनके वजह से आपको गुस्सा आता है। अब ये गुस्से आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये निर्भर करता है कि आप जिंदगी में क्या करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अंबेडकर साहब ने अपने गुस्से को सही तरीके से सही डायरेक्शन में लगाया और काफी सारी चीजें जो है उसमें उन्होंने परिवर्तन लाया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती, तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम यहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं तो इनका जो एजुकेशन है काफी ब्रिलियंट थे, ये काफी होशियार थे, और इन्होंने डॉक्टरल डिग्री जो है वो हासिल की है इकोनॉमिक्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्कूल कौन से स्कूल में गए थे, फिर स्कूल में कितने मार्क्स आए, फिर उनकी मार्कशीट जो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले थे, ये सारी फालतू बातें जो आपको नहीं पूछी जाती, यहाँ पर हम एग्जाम स्पेसिफिक देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर उनके जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कार्य हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो फेमस है, जिसकी वजह से उनका नाम है। तो यहाँ पर वेल नोन कौन कौन सी चीजों के लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल लीडर है ना, पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। देन फिलोसोफर, बहुत अच्छे फिलोसोफर भी रहे हैं, राइटर, काफी अच्छे राइटर देखने को मिलते हैं, ज्यूरिस देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिस्ट देखने को मिलते हैं, सोशल रिफॉर्मर, काफी अच्छे सोशल रिफॉर्मर देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डायरेक्ट की है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, प्लस जो अदर इनइक्वालिटीज है उसको यहाँ पर रिमूव करने के लिए, तो ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मेन आर्किटेक्चर है ये हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर आप देखोगे तो चेयरमैन रहे ये ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी कहा जाता है। अब उनका जो डेथ है या फिर उन्होंने अपना शरीर जो छोड़ा, तो यहाँ पर 6 दिसंबर 1956 दिल्ली हमें देखने को मिलता है, और उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है महापरिनिर्वाण दिन, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तो हमने उनके लाइफ के बारे में इंट्रोडक्टर देख लिया है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, अब यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन के बलबूते पर ही इतना नाम जो है वो उनका हुआ है ना, कर्म की वजह से उनका नाम जो है वो इतना ऊपर लिया जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज, जब B.R. अम्बेडकर का नाम लिया जाए और संविधान का हम बात ना करें तो उसमें मतलब क्या है, तो यहाँ पर मेन आर्किटेक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो उन्हें कहा जाता है, मतलब उनकी जो लीगल एक्सपर्टीज थी
मतलब लीगल तरीके से जो उन्हें इतनी नॉलेज थी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने पढ़ी थी। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो नॉलेज है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी हम शामिल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, ये सभी चीज़ों का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। और इसी ज्ञान का हमें फायदा जो है हमारे संविधान में देखने को मिला कि इतनी सुंदर, इतनी सक्षम संविधान जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उसके चेयरमैन बने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है उन्होंने अपना अदा किया अलग अलग सेक्टर्स में, खासकर अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट में, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 32 देखते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है, मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमारा प्रोटेक्टेड है, मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट उसका वॉयलेशन होता है तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। अब फंडामेंटल राइट हमारे पास यह अधिकार है कि हम सांस ले सकते हैं, हमारे पास यह अधिकार है कि हम अच्छी तरीके से जिंदगी जी सकते हैं, हमारे पास यह अधिकार है कि हमारे पास कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ अगर लिखा जाए लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ना हो, मतलब उसका वॉयलेशन हो तो क्या किया जाए, वो अगर बताया ही ना गया हो तो फिर वो तो बेसलेस रहेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है अगर उसका वॉयलेशन होता है तो क्या किया जा सकता है, हमारे पास क्या ऑप्शन है, वो यहाँ पर आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसीलिए उनके द्वारा बोला गया है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कई बार पूछा गया है प्रीलिम्स में पॉलिटिक्स सेक्शन में से, उन्होंने डेमोक्रेसी जो उसको काफी एम्फेसिस किया वे ऑफ लाइफ के लिए, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो उसका यहाँ पर समर्थन था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है वो भी की, जैसे कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है 1936 यहाँ पर फाउंड की, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में। उन्होंने 1937 में बॉम्बे टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर इलेक्शन जो है वो भी कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने बॉम्बे से यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद भी कंट्री का फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है उसमें भी कॉन्टेस्ट किया, लेकिन उसमें उनकी डिफीट जो है वो हमें देखने को मिली, हार देखने को मिली। उन्होंने एज अ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वॉइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी काम किया, तो ये भी एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडिपेंडेंस के बाद ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनते हैं हमारे 1947 में, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इनको राज्यसभा में भी अपॉइंट किया गया था, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि राज्यसभा में भी उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, 1952 में किया गया था, और जब तक उनका देहांत हुआ तब तक वो राज्यसभा में हमें देखने को मिले, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब यहाँ पर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे उसके बाद उन्होंने रेसिग्नेशन जो है वो भी दिया था हिंदू कोड बिल के लिए, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके सोशल रिफॉर्म्स की, तो सोशल रिफॉर्म में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके अगेंस्ट में थे, उन्हें बिल्कुल नहीं पड़ता था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने यहाँ पर दलित को एडवोकेट किया जिससे कि उनके जो अधिकार है वो यहाँ पर ले सके, क्योंकि दलित जो है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनके जो अधिकार है उससे वंचित रखा जाता था, तो वो उन्होंने यहाँ पर एडवोकेट किया कि नहीं, यहाँ पर लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी। उन्होंने एजुकेशन जो है दलित के लिए वो यहाँ पर प्रमोट किया, है ना, वेरियस कैपेसिटी जो उसमें यहाँ पर उन्होंने काम किया। फर्स्ट बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी जो है उसका एक पार्ट रहे थे, जो साइमन कमीशन 1925, मतलब बाद में आया था साइमन कमीशन, लेकिन जो उसमें कामकाज चल रहे थे उसमें ये सहभाग ले रहे थे। देन यहाँ पर जो बहिष्कृत हितकरणी सभा है, ठीक है, उसका भी एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है, जो एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट जो है दलित्स में वो यहाँ पर प्रमोट करती थी। देन उन्होंने मैगजीन्स जो है वो भी यहाँ पर शुरुआत की। मैगजीन्स के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि नीचे दिए गए में से कौन कौन से मैगजीन्स जो है यहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज जो है उनके आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुख नायक जो है वो हमें देखने को मिलता है, देन इक्वलिटी जनता, देन बहिष्कृत भारत, तो ये सारे मैगजीन्स हमें देखने को मिलते हैं। देन सोशल रिफॉर्म अगर हम देखते हैं तो 1927 में उन्होंने एक्टिव एजुटेशन जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में वो यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर एजुटेशन मतलब किस तरीके का, तो टेम्पल जो उसमें एंटर करना, जो पानी है पब्लिक वाटर रिसोर्सेज से उससे लेना, क्योंकि जो दलित से उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता था कि वो टेम्पल में एंटर करें। उसी के साथ साथ जो पानी है, जो सामूहिक जगहों पर पानी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर, तो वो नहीं ले सकते थे, वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो यहाँ पर उन्होंने किया। हिंदू कल्चर जो है जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोपोगेट करते हैं उसको उन्होंने कंडेम किया कि नहीं, ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए, जो भी डिस्क्रिमिनेशन वाले स्क्रिप्चर्स है वो मैं नहीं मानता। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लास को वो यहाँ पर कहा कि ये होना चाहिए। उसके लिए उस संदर्भ में, मतलब अगर आप देखोगे तो जो दलित है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो की। और उसी सिलसिले में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलते हैं हमारे हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स अगर आपने एम एकेडमी ऐप पर देखे हैं, है ना, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो भी उन्होंने वहाँ पर अटेंड की तीनों। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, है ना, उसमें से ये एक थे।
गांधी जी जो है वो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में थे। गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ब्रिटिशर जो है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है कम्युनल अवार्ड, उसके तहत हमें देखने को मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर बैकवर्ड क्लास। फिर गांधी जी जो है उनकी सटक जाती है, गांधी जी बोलते हैं कि चलो रे आली रे आली आता माजी बारी आली, येरवाड़ा जेल जो है वहां पर वो फास्ट डिक्लेयर कर देते हैं कि अब मैं तो यहाँ पर क्या है, अब तो मैं फास्ट करने वाला हूँ, है ना। अग्रीमेंट होता है गांधी जी और आंबेडकर के बीच में, क्योंकि आंबेडकर जी जो है वो येरवाड़ा जेल में मिलने के लिए जाते हैं गांधी जी को, वो बोलते हैं देखो यार मना नहीं, कोशिश करते हैं, सेटलमेंट होता है उनमें भी। फिर वो बोलते हैं देखो ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं ठीक है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट रखेंगे तो फिर वो अलग ही सेक्शन हो जाएगा जो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन यहाँ पर हम रिजर्व सीट जो है वो रखते हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए, भले ही हम रिजर्व सीट ज्यादा रखेंगे, ठीक है। इसे ही कहा जाता है पूना पैक्ट, जो यहाँ पर पैक्ट हुआ था उसे कहा जाता है पूना पैक्ट। फॉर फ्यू मंथ्स बिफोर ही डाइड उन्होंने यहाँ पर बुद्धिज्म जो उसमें कन्वर्जन ले लिया था, एंड जो नागपुर है वहाँ पर उनकी पब्लिक सेरेमनी हुई थी, तो ये भी इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो उस सिलसिले में उन्होंने फ्री इकोनॉमी जो है विद स्टेबल रूपी यहाँ पर एडवोकेट किया। देन यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पर उन्होंने प्रपोगेट किया। इक्वल राइट्स जो है विमेन के उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एम्फेसिस किया। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एमएम एकेडमी, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एमएम एकेडमी की, तो आप सभी को एमएम एकेडमी के बारे में पता तो होगा ही, अगर नहीं पता है तो एमएम एकेडमी ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, अमेजिंग कोर्सेस है वो आप वहाँ पर देख सकते हो, मतलब कि जीएस 1, 2, 3, 4 जितने भी कोर्सेस है वो आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, और काफ़ी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं, एंड प्लस उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो भी इतनी यूजर फ्रेंडली है कि आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो। एंड आप सभी को पता ही होगा कि जब भी पेपर आता है यूपीएससी बोलिए किसी भी स्टेट पीएससी का, तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चंस है वो एमएम एकेडमी ऐप से ही आपको देखने को मिलता है, तो इसीलिए आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। डाउनलोड करना एमएम एकेडमी ऐप, एंड कोर्सेज जो है उसको आप देख भी सकते हो, मतलब डेमो लेक्चर है वो भी अवेलेबल है, हर सेक्शन में जाकर आप पहले 2 लेक्चर से डेमो लेक्चर देख सकते हो, फिर उसके बाद आप परख सकते हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एंड देन हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो आप एंजॉय कर सकते हो एकदम लोवेस्ट प्राइसेस में, एकदम ही लोवेस्ट, मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना है यहाँ पर एक साल उससे भी कम में एक साल का लेकर आप एंजॉय कर सकते हो, तो इसीलिए काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इनोवेटिव है, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन सभी जगहों पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में, तो यहाँ पर एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहिष्कृत हितकरणी सभा, है ना, ये हमने देखा 1924 काय के लिए थी, तो वही जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके एजुकेशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हमें देखने को मिलती है 1936 में, इन्होंने यहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए हैं बॉम्बे में उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें वो 13 out of 15 सीट जो है जो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए वो यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी यहाँ पर उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। फिर उसके बाद वो जनरल इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें उनकी हार जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद उनके डेथ के बाद ये जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है इसको रीनेम कर दिया जाता है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957, तो ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लिटररी वर्क जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो कई सारे लिटररी वर्क इनके हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, यहाँ पर हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, देन उसके बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, देन बुद्धा एंड इज धम्मा, देन अनटचेबल्स, देन बुद्धा और कार्ल मार्क्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, देन इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन, इट्स सॉल्यूशन, तो इतने सारे इनके लिटरेरी वर्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये भी कई बार आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि नीचे देखे में से कौन कौन से लिटरेरी वर्क जो है वो आंबेडकर साहब ने किए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी, और अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एंड दूसरों को शेयर भी ज़रूर कीजिए, कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्मर है या फिर जो फेमस पर्सनालिटी है वो कौन सी आप देखना चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।